कहते हैं मकबूल जाफ़र। हालिया बलोचिस्तान में जो बारिशें हुई हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। ये रहमत यहाँ जहमत बन चुकी है। अभी हम मौजूद हैं हनाओड़ा के इलाके में। ये क्वेटा से कोई 15-20 किलोमीटर की मुसाफत पर है। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर दारोमदार और इन्हिसार बागों पर है। सेब के बागात हैं, खूबानी के बागात हैं, मुख्तलिफ फल फ्रूट के यहाँ पर बाग हैं। तो तमाम में पानी गया हुआ है। ये जो आ रहा है तुगयानी का पानी है, बारिश का पानी है, पहाड़ों से नीचे उनके बाग भरे हुए हैं। यहाँ लोगों के घरों में पानी जा चुका है, घर गिर चुके हैं, पुल गिर चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये पुल है, इसके ऊपर से ही पानी जा रहा है। ये पानी की रेशो है कितनी ज़्यादा तादाद में और बढ़ती ही जा रही है। सूरत हाल बड़ी संगीन है। हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है सूरत हाल को टैकल करना, क्योंकि यही सूरत हाल आलमोस्ट 70% बलोचिस्तान में है। चाहे ये हब का इलाका हो, चाहे ये किला सैफुल्ला का इलाका हो, चाहे कैच या खुजदार का इलाका हो, चाहे माशकेल का हो, इतनी नफरी नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है कि हर जगह को टैकल करें। क्योंकि हमें देखने में आया कि एक टीम एक जगह आती है तो दूसरी जगह आया होता है, फिर उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। ऊपर से बदकिस्मती से हमारे लोग इतने ट्रेन नहीं हैं इदारों में कि वो चीज़ों को उस तरीके से टैकल कर पाएँ, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। यहाँ मकामियों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या क्या नुकसान हुए हैं और क्या हुकूमत ने उनकी क्या क्या सहूलत दी है, और क्या पहले से उनको मुतनब्बे किया गया था कि आप प्रिकॉशनरी मेजर लें, और अब हुकूमत क्या कर रही है और लोग अपनी सतह पर क्या कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक लोकल जो एजुकेटेड भी हैं और तमाम सूरत हाल पे इनकी काफ़ी नज़र भी रहती है, मुदस्सिर खान। इनसे पूछते हैं, मुदस्सिर ये बताइएगा कि यहाँ पर कब से बारिशें हो रही हैं और पानी की रेशो क्या है, इस कितने अरसे बाद इतनी ज़्यादा बारिशें हुई या इतना ज़्यादा पानी आया, और क्या क्या तबाही यहाँ पर हुई है, कौन कौन से नुकसान हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे हमारे इलाके में रिपोर्ट करने के लिए। ये बारिशें दरअसल ईद से पहले शुरू हुई थी, पहले भी सैलाबी रैली आए थे, लेकिन कल जो सैलाबी रैली आया था वो काफ़ी ज़्यादा था। ये बारिशें दरअसल जो होते हैं मानसून में होते, लेकिन इस साल जो बारिश मानसून में वो तकरीबन 5-6-7 साल बाद इस तरह बारिश हुई ईद से पहले। इससे पहले इतनी बारिशें हुई नहीं थी मानसून में। अगर ये कहूँ कि यहाँ से 20-25-30 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिशें यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट ना होने की वजह से या किसी बंदे का या किसी हुकूमती बंदे का ना आने की वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुए थे। यहाँ पे घरे भी गिर गए, घरों के अंदर पानी दाखिल गया। हम लोगों ने बच्चे औरतें घर से बाहर पहाड़ों पर तंबू लगा के टेंट लगा के वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो पुल थे, यहाँ पे जो रोड थे, यहाँ पे ऐसे किले भी है जिनका कोई मुतबादिल रास्ता है नहीं। पेडीएमओ वाले से बात की थी, पेडीएमओ वाले उन लोगों ने 2 ट्रैक्टर भेजे थे छोटे छोटे, लेकिन वो से का नहीं चल सका। जितना हो सकता था उतना हो नहीं सका। तो आप लोगों के पास कौन कौन से इदारे आए आपको रेस्क्यू करने के लिए, आप लोगों की इमदाद करने के लिए कौन कोई इदारे आए हैं हुकूमत के? नहीं, इमदाद के लिए तो कोई आया है नहीं। कल हम लोगों ने यहाँ पे जो आसपास जो हमारा थाना है उसके सीएचओ से हमने बात की थी, उसने कहा था कि हम बेचते हैं, पेडीएमओ वालों को बेचते हैं। आज सुबह फिर पेडीएमओ वाले आए थे, थोड़ा थोड़ा लोगों ने काम किया, लेकिन उन लोगों से उतना हो नहीं सका क्योंकि उनके जो मशीनरी थे वो बहुत छोटे थे। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से नुकसान हुए हैं, मकान का कोई रेशो है, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं नहीं, फिलहाल तो कोई जानी नुकसान का कोई इतला है नहीं, लेकिन माली नुकसान लोगों का हुआ है। यहाँ के बागात कम से कम 50-60-100 दरख्त ले गए। यहाँ पे एक दरख्त में कम से कम 30-40 क्रेट सेब होता है। जानी माली नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जानी नुकसान की फ़िलहाल इतला मिली नहीं है आसपास इलाके में। सही, और घरों की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हमने देखा काफ़ी सारे घर कच्चे भी हैं यहाँ पे, वो तो और ज़्यादा गंभीर है, और ऊपर से ये जो है ना निचाई का हिसाब है इनका। तो आखिर क्या वजह है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं? पहले तो यहाँ कहते थे कि पानी नहीं है, अब जब पानी ज़्यादा हो गया है तो स्टोर करने की जगह नहीं है। जी जी बिल्कुल मुकबल भाई, आपकी बात सही है। यहाँ पर जो घर है, घर तो गिरे हैं, घर की रेशो कम अज़ कम 5-6-10 जो हमें पता है कि घर गिरे, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान हुई। बाकी बात जो स्टोरेज की बात, तो हम लोगों ने बहुत अरसे पहले भी हम लोगों ने बात की थी,
पहले भी मैंने एक पोस्ट लिखा था जाम कमाल साहब को, जो कमेटी इदारे थे उसको मैंने वहाँ पे मैसेज भी किए थे। फिर लोगों ने खुदा खुदा कर काम शुरू तो किया सुरपुल हेडवर्क्स पे, सुरपुल पे लोगों ने काम शुरू कर दिया। वहाँ पे जो नाला है वो डायरेक्ट या सीबी सैलाबी रैली लेके वहाँ पे झील की तरफ जाते, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे काम शुरू तो किया लेकिन काम इतना सुस्त रही का शिकार है। 3-4 महीनों में लोगों ने अभी तक नाला 20 तरीके से बनाया नहीं है। सही, अब लोगों का, आप लोगों का क्या मुतालबा है, हुकूमत से आप क्या मुतालबात रख रहे हैं इस सूरत हाल में? हमारा मुतालबात ये है कि जो घर सैलाबी रैली या जो नाली के नज़दीक है उन लोग उसको सरकारी डंगे दिए जाए, आसपास उसको सरकारी डंगे दिए जाए। बाकी जो ये हेडवर्क्स है इस पर तेज़ी से काम शुरू किया, अगर इस पर काम हो सके तो इसके नीचे के जो घर है वो बिल्कुल सैलाबी रैली से महफूज हो जाएंगे और ये पानी भी झील में स्टोर हो जाएगा। और ये पानी अगर झील में स्टोर हो जाता है, ये हमारे तकरीबन 10-12 बड़े बड़े सैलाबी रैली जो 3-3, 4-4 घंटे बह रहे थे, लेकिन अगर ये स्टोर हो जाता तो क्वेटा का पानी 10-15-20 साल तक कम नहीं होना था। लेकिन गवर्नमेंट की गफलत की वजह से, इदारों की गफलत की वजह से हमारे खरबों मिली लीटर हमारा पानी ज़ाया हो गया, हमारे नुकसानात हो गए, बागात के और लोगों के नुकसानात हो गए, इसका हजाला होना चाहिए। ये कहना था मुदस्सिर खान का, तो यहाँ पे कई पुल टूटे हुए हैं और ऐसा भी वो कर रहे हैं कि उनका कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है, वही पुल तो आने जाने का, तो उन तक भी हुकूमत आए, कोशिश करे। हम रास्ते में आ रहे थे तो डीसी शेख बलोच भी अपनी टीमों के साथ मुआयना कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे तक आएंगे, सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाएगा और जहाँ जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत है और जो जो नुकसान है हुआ है उनका अजाला किया जाएगा, और जिन लोगों के पास रिहाइश का वो नहीं है उनके लिए PDMA और तमाम इदारे कुछ ना कुछ करेंगे। अभी जिस तरह भाई ने बात की कि PDMA वाले आए, तो PDMA का अमले को भी ट्रेंड होना चाहिए इस तमाम सूरत हाल के हवाले से, और उनकी भी नफरी इतनी नहीं है क्योंकि हब में वो डेरा बुगटी में हर जगह उनके कुछ ना कुछ हैं। एक जगह हम उनको वो करते हैं तो वो कहते हैं कि एक जगह हम कुछ करते नहीं हैं कि दूसरी जगह कहते हैं कि वहाँ चले जाओ। हम लोगों की दिन रात की नींदें हराम हो चुकी हैं, हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि अमला मज़ीद ट्रेंड करे, मज़ीद लोगों को एक्टिव रखें ताकि इस सूरत हाल पे अल्लाह ना करे ये अभी हो गया है, अभी होश के नाखन लें आइंदा के लिए, अभी तो जो हो रहा है या हो चुका है वो तो हो चुका है, कम अज़ कम नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि तमाम लोगों का हर मुमकिन अजाला किया जाएगा, और इस मुश्किल वक्त में सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमने भी देखना है कि हम दूसरे की क्या खिदमत कर सकते हैं। हमारा अगर साथ वाले का घर गिरा है तो हम उसको पनाह दें, उसको अगर राशन की ज़रूरत है तो उसको दें, तो मिल बांट के इस मुसीबत का सामना करना होगा और इस मुश्किलात से तमाम को निकालना होगा, क्योंकि आज शायद ये किसी और के साथ है, कल खुदा ना खास्ता ये हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम मिलजुल कर ही इसको फेस कर सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं। कैमरामैन समी आगा के साथ मकबूल जाफर, हना ओड़ा, क्वेटा।